हाय एवरीवन, दिस इज टिम्पल शर्मा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड आप सभी की दोस्त। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ रिलेटिंग टू होपोनोपोनो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट, हम इसको कॉम्बिनेशन में क्यों यूज़ कर सकते हैं और हमें इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस होपोनोपोनो को कॉम्बिनेशन में यूज़ करने के। तो हमें पता है हम सभी को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो बट उसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले इंटेंशन रखनी होती है, राइट। तो उसके बाद हम टूल्स एंड टेक्निक्स करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर कोई पर्सन फेस करता है, वो है कि वो कोई पर्सन लेट गो नहीं कर पाता, सरेंडर नहीं कर पाता यूनिवर्स को। और मतलब बंदे कोई भी इंसान है जो भी टेक्निक्स अप्लाई कर रहा है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, वो डेस्परेट हो जाता है कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये सब चीज़ें, राइट। हम अपनी इंटेंशंस रखते हैं, ड्रीम्स और डिज़ायर का क्या मतलब होता है, हमारी इंटेंशन होती है कि हमारे ये वाले ड्रीम्स पूरे हो जाए, ये वाली चीज़ मेरी पूरी हो जाए तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेरी लाइफ मैजिकल हो जाएगी या मेरा बेस्ट वर्जन आ जाएगा। वो सारी इंटेंशंस रहती है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि हमें इंटेंशन तो हमने यूनिवर्स को अपनी बता दी, बट हमें हम उसकी इंस्पिरेशन के लिए वेट नहीं करते। इंस्पिरेशन आने के लिए हमें लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को जो भी हमने इंटेंशन रखी है। क्योंकि जो इंटेंशन, अभी मैं इसमें बीच में एक छोटा सा टॉपिक इंक्लूड करना चाहती हूँ, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड इंस्पिरेशन। जो इंटेंशन होती है वो हमारी होती है, वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो हमारे लिमिटिंग माइंडसेट से ही होती है इंटेंशन। चाहे आप जितनी मर्जी अपने अकॉर्डिंग बड़ी रख लो, बट आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने आसपास सोसाइटी से, उन सब चीज़ों से ही, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, मेमोरीज से सोच के ही आप सोचोगे अरे ये बस मेरी ये इंटेंशन है। बट इंस्पिरेशन क्या होती है, वो डिवाइनली होती है, जब वो यूनिवर्स की तरफ से आती है। सो इसमें क्या रहता है कि हमें इंस्पिरेशन को लाने के लिए ना हमें लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सरेंडर करें, कैसे लेट गो करें, और इसमें हम बीच में इंक्लूड कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या काम करती है, हमारी मेमोरीज को इरेज करने के लिए काम करती है, रिलीज करने के लिए काम करती है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंटेंशन रखो, बाद में उसके ऊपर होपोनोपोनो करने लग जाओ, सो दैट कि आपकी कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई भी ऐसे होगा जो कि आपको लग रहा है आपके फेवर में नहीं होगा, तो वो आपकी वो चीज़ एनर्जी क्लीन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको इंस्पिरेशन आएगी कोई भी एक्शन लेने की, ठीक है। क्योंकि इंस्पिरेशन तो आएगी ही ना, राइट। कोई आपकी कोई भी बड़ा ड्रीम है, फॉर एग्जांपल आपने कार मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए भी तो आपको इंस्पिरेशन आएगी ना कि मुझे यहाँ से ऐसे 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 जाना चाहिए और ये पर्सन मिलेगा तो मेरा ये वाला काम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ है, राइट। वो इंस्पिरेशन है, तो इंस्पिरेशन डिवाइन की तरफ से रहता है। तो इंस्पिरेशन को लाने में हेल्प करता है हमारा होपोनोपोनो प्रेयर, क्योंकि उससे वो क्लीन हो जाती है एनर्जी। सो आप इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, होपोनोपोनो को इंक्लूड करो और देखो अपनी लाइफ में कितनी ईजिली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशंस होती है। एंड हमेशा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, चाहे आपकी कोई भी इंटेंशन हो, कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, तो हमेशा एक साथ एक लाइन एडमिन ज़रूर ऐड करें कि या तो मुझे ये दे दो या जो मेरे लिए बेस्ट है आप वो दे दो यूनिवर्स को। हमेशा ये चीज़ बोलो, इससे क्या होता है कि हमारा माइंड, हम अपने माइंड को एक्सपैंड रखते हैं, राइट, ओपन माइंडेड रखते हैं। इससे हमें वो क्या कहते हैं, डेस्परेशन नहीं आती, हमें वो डर नहीं लगता, फियर नहीं लगता कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट ही होगा, या तो ये मिलेगा या उससे बेस्ट मिलेगा। सो इसीलिए ये टेक्निक अप्लाई करो और अप्लाई करो और मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड लोगों के साथ शेयर करो एंड कमेंट करो, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर पाऊँ मैं और मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो पाए आप लोगों की वजह से। सो थैंक यू एंड सी यू सून अगेन विद न्यू वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस, सेंडिंग ऑल द ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स योर वे। हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू एवरीवन, बाय।